बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नवीद और आज मैं एक और एपिसोड स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के काम में मेरे साथ जो है वो वकास और बिलाल मौजूद हैं। ये हमारे दोस्त बिलाल हैं जो बेहद अच्छे, और ये हमारे दोस्त वकास हैं, और इनका काम जो है वो बजरी सीमेंट से रिलेटेड है। ये देखिए इनका काम करने का तरीके का, ये प्लाट्स वगैरह बनाते हैं। इससे पहले एपिसोड में मैंने आपको टाइल्स बनाना दिखाई थी। इनका काम जो है वो गार्डर्स, प्लाट्स, स्लिप और भी डिफरेंट चीज़ों का काम है, लेकिन सीमेंट से रिलेटेड है। ये इस तरह से माल को जो है इनकी मशीनरी है, और ये माल को नेक्स्ट करने का तरीकेकार है। इनका माल को तैयार हो रहा है, ये अभी माल तैयार हो रहा है। मेरू एक कंप्लीट नेहरू हो गया। ऑन दी वे जो है वो बेसिकली आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। अभी मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ ये लेबर लेवल कहलाता है, मकसद के मजदूर लोगों का काम है और खूबसूरत तरीन काम है। अब ये जो दूसरा प्रोसीजर वो क्या है? वो है ढकने निकलेगा जी, अभी इसके फ्रेम निकलेंगे। आप फ्रेम निकालेंगे, अभी ये फ्रेम निकालेंगे, और दोनों भाई जो हैं मिलकर इनके वालिद और ये लोग काम करते हैं, और बहुत मुश्किल काम है। तैयार हुए हैं ये, अभी टैंकी में उतरेंगे कुछ देर के बाद। ये कल बने हुए हैं, ये कल के जो है वो बने हुए हैं। हाँ, आप इसको देख लो भी माशाल्लाह ऐसे है जैसे। अच्छा, ये लैंडर इधर, ये छत पे डलते हैं, ये छत पे डलते हैं, इधर बनते हैं, इसी मशीन से बनते हैं। बनने के बाद जो है इसका प्रोसेस जो है ये पानी वाला होता है। बेसिकली ये पानी में एक कितने दिन रखा जाता है? ये 3 दिन रखा जाता है। ये 3 दिन के लिए जो पानी में रखे जाते हैं ब्लॉक्स, लैंडर, उसके बाद जो है ये मजबूत हो जाते हैं। ये देखिए ये मजबूत हो जाते, फिर ये छत पे जाते हैं, ये इस तरह से जो है ये फिर इसको ख़रीदने वाले जो है वो लेके जाते हैं। ये देखिए ये भाई लोग जो है वो इसको अभी लेकर जा रहे हैं। ये कंप्लीट होने के बाद जो है यहाँ से लोड होते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे घर में यूटिलाइज किए जाते हैं। जिसका घर बन रहा हो या न्यू कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो उन जगहों पे यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में मैकिंग, पाकिस्तान में बेसिकली घर जब बनते हैं वो अमूमन जो है वो लैंडर्स इस तरह के जो है वो लगाए जाते हैं, और ये इसके रेट्स तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मुकम्मल सीमेंट से बनते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। ये देखेंगे इसको आने का जो प्रोसेस तरीकेकार है, और ये कोई हल्का नहीं है, ये मेरे ख्याल कोई 250 किलो 5 मन का ये जो है वो लैंडर 200 kg 5 मन। ये इसका प्रोसेस होता है। अब ये जो है ये नेहरू और वकास जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं। ये देखें फ्रेम वकास लगा रहे हैं, सॉरी बिलाल जो है वो फ्रेम लगा रहे हैं, और वकास भाई जो है तो नाज़रीन बेसिकली ये काम जो है ना, एक्चुअली जाहिर सी बात है मेहनत काम तो हर जो भी काम हो वो मेहनत का ही काम है, लेकिन इसमें ये जो काम करने का तरीकेकार है ना ये बड़ा डिफरेंट है। अब ये वकास तुम लगा नहीं रहे नेहरू, बस नेहरू अभी लगा। अब ये देखें ये इन्होंने स्टार्ट किया, और ये ना नेहरू इसलिए लगता था कि इसकी चिकनाई हटाए। ये नेहरू लगाने का प्रोसेस है, यानी कि बिल्कुल सीमेंट का पानी होता है। नेहरू का मतलब ये है कि बिल्कुल जो प्योर सीमेंट होता है
उसमें पानी मिलाकर और नीचे लगाया जाता है। उसके दो रीज़न है, एक रीज़न मैं ये समझता हूँ, वैसे तो ये बताएंगे एक्सपर्ट है, लेकिन इसका एक रीज़न ये है कि ये जो भी चीज़ ये बना रहे हैं ये जो है वो चिपके नहीं, आराम से जब ये निकालें तो ये बिल्कुल फ्रेम से आउट हो जाए। इसका जो खास चीज़ है वो ऑयलिंग है, ऑयलिंग जो लगता है इसमें, ऑयल ज़रूरी है लगाना, ऑयल लगाना ज़रूरी है, ऑयल और ये चीज़, ऑयल ये चीज़ नहीं हो तो इसलिए वैसे हो जाएंगे चिपक जाएंगे भाई। अच्छा ये मैं आपको एक बात और कोट कर दूँ, ये पाकिस्तान कराची है और ये बहुत कम उम्र में माशाल्लाह से ये काम कर रहा है, बहुत मेहनत का काम है। मैं इसको तीन साल पहले ही तो और छोटा हुआ, तो 3 साल से ये काम कर रहा है और शदीद गर्मी में जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। अभी अगले कुछ दिन बाद जो है वो रमज़ान भी स्टार्ट इंशाल्लाह हो जाएंगे और अल्लाह पाक हमें साथ देता फरमाएगा। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह छुट्टी करेंगे, रमज़ानों में आराम करेंगे। अब क्या रह गया, एक महीना है बरकत का महीना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब क्या रह गया, वकास अभी माल डालेगा वो। अच्छा वो आ रहा है, कहाँ चला ये कारीगर को जरा वो बता रहे लेंटर। अच्छा कौन सा लेंटर लगाना है ये देख रहे हैं नाज़रीन, ये फ्रेमिंग जो है इनकी इस तरीके कार से जो है वो लगाई जाती है और ऑयल का जो इसमें छिड़काव किया जाता है उसका रीज़न ये है कि वो जो ये बना रहे हैं वो नीचे चिपके नहीं। अब ये माल निकालने का प्रोसेस जो है वो वकास ने जो है वो स्टार्ट कर दिया, ये इसने स्टार्ट कर दिया। एक बाल्टी डालेगा फिर केवल होगा। ओके एक एक बाल्टी यानी ये इसकी जो क्वांटिटी होती है एक ही बाल्टी। इसके रेट्स के हिसाब से अगर बात करें तो क्या रेट्स पाकिस्तानी पैसों में कितने पैसों का होता है ये क्या चीज़? ये एक स्लिप स्लिप जो है ना ये फिट के हिसाब से होता है। अच्छा मिसाल के तौर पे ये जो आपने अभी जिसमें ये डाला ये कितने का है? ये कम से कम 700 रुपये का है। 700 रुपये का, इसमें मजदूरी और सारी चीज़ें सब कुछ मिला के। ये इसका जो है वो प्रोसेस होता है, इस तरह से माल को मिलाया जाता है और हमारा बिलाल भाई जो ना थोड़ा हाँ वो डील कर रहा है केला डील कर रहा है।
बिल्कुल डिफरेंट तरीके कार है यूटिलाइजिंग करने का। ये देखिए ऑयल का इस्तेमाल जो है वो ऑयल जो ब्रश इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है ये इनके छोटे भाई हैं। ये पहले साफ होते ये भी बताओ। हाँ मैंने बताया ये आपने देखा प्रोसेस। अच्छा इसको कितने दिन लगते हैं सूखने में? एक लगते समझ ले एक रात में सूख जाता है ये, मतलब 12 से 14 घंटे के अंदर जो है वो सूख जाता है। ये भी इसके लेवल हो गए लगाओ ना दो चार सरिया अभी लगाएंगे। ये देखिए ये इसका सरिया लगाने का तरीका बोल दो। हार्ड वाला सरिया जो ब्रिज में लगता है ये ब्रिज वाला सरिया है अच्छा वाला। हाँ लोकल सरिया मतलब स्लिप क्रैक को भी हो जाएगा ना तो स्लिप टूटेगा नहीं टूटेगा। वाह सरिया लगेगा इससे मजबूती आ जाएगी। हाँ इससे मजबूती आ जाएगी। अच्छा इस पे सरिया डल के वकास और भी माल डलेगा के ऊपर माल डले उसके बाद ये क्लियर हो जाए। अच्छा ये और माल डले फिर ये क्लियर हो। यानी कि इसकी मजबूती के लिए सेफ्टी के लिए जो है सरिया बीच में रहता है और ये अमूमन जो है छतों में स्लिप्स यूज होते हैं। इसके साइज़ देखें जैसे ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है ये डिफरेंट है। फ्रेमिंग इनकी हुई भी है फ्रेम इन्होंने जो है वो बनाए हुए हैं मुख्तलिफ साइज़ में और हाथ से काम करते हैं। छोटी सी मशीन लगाई हुई है छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है और प्योर सीमेंट बजरी और कॉन्क्रीट जो है वो यूज़ करके वो ये काम करते हैं। और मैं
ये कंप्लीट शेप में अब आ रहा है, यानी कि इसकी सेफ्टी के लिए लोहा वोहे लगा के तो इसको बराबर किया जा रहा है। तो वक्कार जो है वो मेहनत का इंसान है। ये कंप्लीट जो है वो ब्लॉक जो है वो अपना सिलिप जो है वो ये इसकी जो असल क्वालिटी है ना वो माल है, बिल्कुल सीमेंट तेज है, इसकी जो मजबूती है आप जितना भी तेज रखोगे उतना ही जो है ना इसकी मजबूती आ जाएगी। मेन चीज इसका सीमेंट है, माल लिया व्यूअर्स, ये देखा आपने इसका ये पूरा प्रोसेस जो है वो ये होता है। फिर ये 14 से 18 घंटे के लिए इस तरह से रखा जाता है पानी के अंदर ताकि ये बिल्कुल सेटिंग में आ जाए, मजबूत हो जाए। मजबूत होने के बाद जो है इसमें ये इस शेप में आ जाता है और ये इसका मुकम्मल प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जो है कम्प्लीट ये ऐसे रेडी हो जाते हैं। ये कम्प्लीट हो जाए यहाँ से इनके क्लाइंट आते हैं और जो है वो परचेज करके लेके जाते हैं। 700 का वैसे ही एक होता है लेकिन ये साइज़ पे डिपेंड करता है कि साइज़ पे। तो ये पहले जो है वो फ्रेमिंग होती है इसकी, इस तरह से फ्रेम रखे जाते हैं। फ्रेम रखने के बाद जो इसमें माल भरा जाता है, फिर थोड़ा लोहा लगाया जाता है, फिर इस तरह से इसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद जो है वो इसको शेप में लेकर आते हैं और ये 14 से 18 घंटे सूखा जाता है। फिर सूखने के बाद इसको पानी में रखते हैं ताकि इसकी मजबूती हो जाए। मजबूत होने के बाद इसको यहाँ निकाल कर रख दिया जाता है। तो आई होप कि आपने आज के एपिसोड को इंजॉय करा होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त मरीज को इजाज़त दीजिए। जहाँ जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें। रमज़ान मुबारक आने वाला है, उन लोगों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें जो इस्तेदाद नहीं रखते हैं। प्रोफेशनल फ़कीरों से बच के रहें। उनको देने से बेहतर ये है कि अपने रिश्तेदारों को जो भी आप जो आपके इस्तेदाद है, जो भी आप मदद करना चाहते हैं वो करें। जो आपको नज़र आ रहा है कि यार इसका हकदार है, ये हक बनता है, उसको दें। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की कोशिश करें। रमज़ान में इफ्तार करवाएँ, गरीबों का ख्याल रखें, लोगों को बाँटें, लोगों की ईद में शामिल हों और उनकी खुशियों को बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि अल्लाह पाक आपको इसके बदले दुनिया और आखिरत दोनों ही कामयाबियां अता फरमाएं। तो अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, जहाँ रहिए खुश रहिए और जितने लोग भी इसको देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स देना ना भूलें कि एपिसोड कैसा लगा। फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।